राजधानी दिल्ली में अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्लान के मुताबिक साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। आपको बता दें, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अगले 10 दिन का रूट मैप तैयार कर लिया है। इसमें दक्षिणी दिल्ली के उन इलाकों की लिस्ट तैयार की गई है जहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके मुताबिक 6 मई को ओखला में बुलडोजर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जबकि शाहीनबाग में 9 मई को बुलडोजर चलेगा। इस मामले में दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को एक पत्र लिखा गया है और बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए नगर निगम ने अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। बता दें कि दिल्ली के शाहीनबाग में भी अवैध निर्माण ढहाने का काम किया जाएगा। शाहीनबाग में 9 मई को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहेगा ताकि अवैध निर्माण गिराते समय कानून व्यवस्था बनी रहे। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद दिल्ली नगर निगम के महापौर और अधिकारी कई अवैध कब्जे हटाने की तैयारी में हैं। बुलडोजर आने की सुगबुगाहट के चलते पहले ही शाहीनबाग इलाके के दुकानदार अपना सामान हटाने लगे हैं। कुछ समय पहले ही दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर ने मुस्लिम बाहुल्य शाहीनबाग का दौरा किया था और कहा था कि यहां जल्द अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलेगा, जबकि दिल्ली पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को तुरंत फोर्स देने से मना कर दिया था और सलाह दी थी कि पुलिस को ऐसी कार्रवाई से 10 दिन पहले बताएं। वहीं अब इस जगह पर 9 मई को बुलडोजर चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।